पुलिस पुलिस आ रही है। पुलिस आती है तो आने दो, अगर मुंह से एक भी लफ्ज निकाला तो ये सारी बंदूक की गोली तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। क्या समझ में आया? क्या चल रहा है? इतना घबरा रहा है क्यों? ओ, कुछ नहीं, वो गाड़ी पंचर हुआ था ना। घबरा क्यों? घबरा रहा क्यों? ओ, गाड़ी पंचर हो गया तो इसलिए। गाड़ी का नाम मना है ना कष्ट पे? नहीं साहब, वो गाड़ी की पीसी खत्म हो गई थी ना तो डर गया थोड़ा सा। रास्ते में गाड़ी रुकना मना है ना? हाँ वो तो है। पीसी खत्म होने के बाद जुर्माना भरना पड़ेगा क्या साहब? बहुत दूर जाना है। क्या साहब आप भी ये 200 रुपये रख लीजिए और मैटर यहीं पे रफा दफा कर दीजिए। बहुत नुकसान है तू साहब, छोड़ दो हमें। हाँ। अच्छा छोड़ देता हूँ, आगे पे ट्रैफिक नहीं चाहिए। हाँ सर। हाँ सर, नाम मर गया सबको सर। जल्दी कर। क्यों रे, तू तो रोने लगा, थोड़ी देर पहले बहुत खुश हो रहा था। देखा तेरे हमारे रखवाले को, साले सब चोर है, 200 रुपए दे के हमें छोड़ दिया। सालों को सरकार पेमेंट देती है फिर भी वो हमसे रिश्वत लेते हैं, और हम तो बेकार है बेकार। फिर हमने थोड़ा सा जुर्म किया तो क्या बुरा किया? बड़ा बकरा बड़ा। एक्शन यार, ये तो बड़ी मछली निकली यार। ये देख, खाली 20,000 निकल सकता हूँ मैं। इसके अकाउंट में 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए। साढ़े बड़ा बकरा है ये। चले खाली 20,000 निकल सका हूँ मैं, 20,000 खाली। ऐसे मैंने मेरे दोस्तों से उधार लिए हुए हैं, इतने कम रुपए के लिए तुम ये काम क्यों कर रहे हो? ए चुप बैठ मेरे प्यारे दुल्लू लाल, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम छोटे छोटे मछलियाँ पकड़ते हैं। हाँ हाँ, इसका मुंह बांध दे, बहुत बक बक कर रहा है ये। मैं ये पकड़, तू ये पकड़, बांध इसका। साला ये 3.5 लाख रुपए कैसे? क्या भाई, कैशलेस का जमाना है। किसने बोला था? अब तो उसका मोबाइल भी हमारे पास है, एटीएम भी हमारे पास है, एटीएम का पिन भी हमारे पास है। सही बात है, तो उसके मोबाइल से हमारे अकाउंट पे पैसे भी ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या बात है, सही बात है, सही बात है। भूख बहुत लगे, किसी ढाबे पे रुकते खाना भी ना खाते। आज चला चला यार, क्या काम हो तो उसको मार रहा हूँ क्या? अगर अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर करते वक्त कोई पिन गलत हो तो पैसे ट्रांसफर नहीं होगी, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें। हाँ, के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी है। तो फंस गया रे।
अभी अब हम इसे सुला देते हैं। हवलदार, गाड़ी का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लो, गुनेगार बाहर निकल ना जाए।